आज हम करते हैं कुछ चीजों के कारक करेंगे, छोटे छोटे कारक करेंगे। कारक से उपाय बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कारक की बात करेंगे तो बृहस्पति, बृहस्पति ब्राह्मण, सोना, पीतल, पुखराज, दाल, चना, ठीक है, हल्दी, केसर, ब्राह्मण, कर्मकांडी, कर्मकांडी भी धर्म का पुजारी, सफेद बालों वाला व्यक्ति, सफेद बालों वाला व्यक्ति बुजुर्ग बेसिकली, कुल पुरोहित, चलता फिरता साधु, जोहरी शराफ, जोहरी शराफ यानी कि ये जो गोल्ड के व्यापारी होते हैं इन्हें जोहरी शराफ बोलते हैं, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉयन, लाइन लॉयन, लॉयन, मेंढक, मेंढक जो है नीच बृहस्पति की निशानी है। मेंढक नीचे, हाँ, इसमें मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, जो लोग, कई लोग ना मेंढक से बड़े खेलते हैं। मेंढक से खेलते हैं? हाँ, बहुत, आप देखो बहुत वो लोगों को बड़ा शौक होता है मेंढक पालने का। मेंढक खाते हैं कुछ हाँ, लोग? खाना तो नॉनवेज की कैटेगरी में है, वो एक अलग बात है। हाँ, मेंढक पालते हैं लोग, पालते हैं। हाँ, घर में अच्छा, मेंढक रख लेते हैं, ठीक है। तो मेंढक बीच नीच बृहस्पति की निशानी है, पीपल, धर्मस्थान, पीला रंग, ये सब जो है बृहस्पति की निशानियां हैं। पिता, लाल किताब पिता को बृहस्पति की निशानी बोलती है और दादा को बृहस्पति बोलती है। हर प्रकार का धार्मिक स्थल बृहस्पति है, हर प्रकार का धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बृहस्पति लाल किताब के अंदर है। सूर्य, सूर्य बृहस्पति ब्रह्मा जी, सूर्य विष्णु जी, सोना, शास्त्र का भेद, तांबा, गेहूं, गुड़, बाजरा, शिलाजीत, लाल माणिक, अपना शरीर को सूर्य जो है माना गया है लाल किताब में। अपने शरीर को बीरन बृहस्पति बोलती है, जातक स्वयं बृहस्पति बोलती है बीरन, बट सूर्य जातक स्वयं जो है सूर्य है लाल किताब के हिसाब से। दही, आग, हड्डी, राज दरबार की चीजें, ठीक, और क्षत्रिय होना, राजपूत होना, नारंगी रंग, भूरा, भूरी चीटियां, भूरी चीटियां जो है लाल किताब में सूर्य को बोला गया। इकलौता लड़का, तेज फल, तेज फल का वृक्ष, नमक, सफेद वाला, बंदर, ठीक, बुरा, नेवला, तो नेवला तो दूर की बात हो गई, बट बुरी चीटियां ये इंपॉर्टेंट है, बुरी चीटियां। चंद्रमा शंकर भगवान, चावल, चांदी, दूध, पानी, पानी के सूत्र, मोती, सफेद दूध, दिल, दिल में बहता खून, बाई आंख, कपड़े का काम, सफेद चीजें, पीने का पानी, पानी के काम, ठीक, जन्म स्थान से जुड़ा हुआ पानी, घोड़ा, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है लाल किताब की रेमेडीज में, वास्तु की रेमेडीज में, घोड़ा, खरगोश, खरगोश, खरगोश बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडीज में आएगा, धोती, तोलिया, माता, मौसी, नानी, दादी, नानी, दादी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, नानी, दादी, मौसी, माता समान लोग, जड़ी बूटी, दूध देने वाले पेड़ पौधे, ये सब चंद्रमा की निशानियां हैं। धोती तौलिया, दूती तोलिया चंद्रमा,